ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। जमकर पैसा बनाएगा अगर सही समय पे हाथ लग गया तो। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या इसके फंडामेंटल, क्या इसके टेक्निकल लेवल है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हो। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक्सेलेंट क्वालिटी का यह स्टॉक है, एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसमें सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 9.42%, आप इसमें EBIT ग्रोथ देख लीजिए 22.69%, आप इसमें नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए, नेगेटिव नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब कंपनी में इतनी ज़्यादा डेब्ट नहीं है। आप इसमें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देख लीजिए 0, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पी रेशियो देख लीजिए 49.53% की इसकी पी रेशियो है। इविट टू इबिट्टा रेशियो देख लीजिए 32.71% की इसकी इविट टू इबिट्टा रेशियो है। आप इसमें क्या है, ROCE देख लीजिए 44.46%, आप इसमें ROE देख लीजिए 27.25% की इसकी ROE है। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए 3.14% की एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें क्या है कि नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें भी 15.54% की एक डाउनसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें भी 0.98% की डाउनसाइड देखने को हमें मिली है। तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि कंपनी अभी क्या है कि डाउन पे, मतलब अभी ये नीचे जा रही है। अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए 10.78% की इसमें क्या है कि अपसाइड देखने को मिली है। आप इसमें नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जिसमें भी 15.42% की एक अपसाइड हमें देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें भी 0.65% की एक अपसाइड हमें देखने को मिली है। अब तक हम बात कर रहे थे ब्रिटानिया के बारे में। अपने इंडस्ट्री में 6th नंबर पे आता है, लार्ज कैप स्टॉक है और डिविडेंड भी पे करता है। चलिए अब जानते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। अब हम आ चुके हैं ब्रिटानिया के चार्ट के ऊपर, तो आपको इसमें एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन दिख रही होगी। देखो ये मतलब इसने आगे सपोर्ट इस बार लिया था, इस बार तो मतलब ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के अभी हाल फिलहाल पास में ही है। मतलब इधर से क्या है कि नीचे भी गया था, बाद में ऊपर आ चुका है। मतलब ये अभी 2400 के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के पास है। और जो ये फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, फॉलिंग सपोर्ट लाइन भी पास है। मतलब दोनों लॉन्ग टर्म राइजिंग सपोर्ट लाइन और फॉलिंग सपोर्ट लाइन दोनों के अभी ये पास है। अगर ये क्या है कि इधर से रिवर्सल दे दिया, प्रॉपर रिवर्सल दे दिया, तो आपके हाथ में एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी लग सकती है। लेकिन इधर क्या है कि आपको एक प्रॉपर रिवर्सल दिखना चाहिए, बाद में आप क्या है कि इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बाद में देखिए, अगर इसमें मेरे को हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन चाहिए तो ये 2213 के करीब है, मतलब उसके आसपास है। तो अगर अभी क्या है कि इस प्राइस में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर ये इधर से नीचे जाता है तो और नीचे हम जाने देंगे। अगर क्या है कि इधर से रिवर्सल लेता है तो हम क्या है कि अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करेंगे। क्यों, अगर आपको सही लगे तो, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ऐड नहीं करना, अगर आपको सब सही लग रहा है तो आप ऐड करो। वैसे भी आपको क्या है कि यह कंपनी मोस्टली आप सब लोग जानते हो कैसी ये कंपनी है, तो ये निचले स्तर पे मिल रहा है तो इसको आप क्या है कि बाइंग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसको जाने दिए यार, 2200, 2300, 2400 का ये स्टॉक है तो मैं नहीं लूँगा। देखो प्राइस पे कोई डिपेंड नहीं रहता, जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना भागेगा भी। आगे देखो ये 3200 के लेवल के पास भी था, 3500 तो उसने मतलब टच किया था, थोड़ा रह गए तो बाद में नीचे आए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फिर से उस लेवल पे जाए, तो लॉन्ग टर्म में तो जा सकता है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इधर रिवर्सल होने पे क्या है कि अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करोगे। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें हौसला मिलेगा और हम ऐसे वीडियो और आगे लेते आएंगे। तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, उसे दबा दो सो आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।